दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार पोलकोल पोस्ट से आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के मुड़वानी डैम पर के नीचे स्थित बैगा समाज में। बैगा समाज, अगर मैं बात करूं, मुड़वानी डैम एक ऐसा खूबसूरत नज़ारा है जो कि देखते ही बनता है, लेकिन क्या यहां पर रहने वाले बैगा समाज की ज़िंदगी में भी ऐसा खूबसूरत नज़ारा है? क्या इनकी जीवन में भी इस तरीके की सौंदर्यता और खूबसूरती है? आइए एक चर्चा हम यहाँ के बैगा समाज के लोगों से करते हैं, यहाँ के जनजीवन को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग अभी मौजूद हैं मुड़वानी डैम के बैगा बस्ती में, और यहाँ का जो वातावरण हम देख पा रहे हैं, यहाँ का जो माहौल है, हमें कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा। आपको हम दिखा सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा, हमारे चारों सराउंडिंग, हमारे चारों ओर आप देख सकते हैं ओवी से घिरा हुआ ये पूरा जगह। यहाँ पर बैगा बस्ती के कुछ लोग ही यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग ही यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना इन्हें करना भी पड़ रहा है। मैं आपको कहूँगा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से ओबी का काम पूरे तरीके से इस बस्ती को घेरा रखा हुआ है, घेरा जा चुका है। कुछ व्यक्ति हैं, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, कुछ पुरुष लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से इनकी ज़िंदगी चल रही है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, अच्छा, यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं आप? बहुत साल से रह रहे हैं। बहुत साल से, क्या क्या लगता है, कैसी कैसी दिक्कत होती है यहाँ पर? अरे पत्थर वत्थर भसक रहा है, खदान वदान, तो वो सब हमारे मुसीबत है ही है। अच्छा, पत्थर घसकने से दुर्घटना हो जाती है ना? तो फिर आप लोग यहाँ कैसे, यहाँ से जाते नहीं आप लोग? अरे भाग जाते हैं, क्या करें, वही तो डर है, अपने जिंदगी बचाने के लिए तो भागना पड़ेगा, पत्थर फंसकेगा जमीन, तो क्या करेंगे यार। तो मतलब यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं, दूसरी जगह पर नहीं रखवाया कहीं पर आप लोगों को? घर नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है, अभी तक नहीं दिया गया, नहीं दिया है। तो फिर कैसे रहोगे आप लोग यहाँ पर, जब घर आप लोगों को नहीं मिला, फिर यहाँ पर ये ओबी का पत्थर भी घिस जाता है? अरे इधर नहीं बनाएंगे तो पहाड़ में बना लेंगे। अच्छा, यहाँ नहीं तो पहाड़ में बना लेंगे। अब क्या करेंगे, सुविधा नहीं देगा तो पहाड़ में तो बनाना पड़ेगा। मतलब कोई उम्मीद नहीं है किसी से? हाँ, कि कोई देगा कि नहीं देगा? हाँ, कोई नहीं उम्मीद है। और ये बच्चे लोग? ये मेरे भाई हैं। भाई लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं लोग? अरे पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, भाग जाते हैं। अच्छा, भाग जाते हैं। हाँ, कब बारिश आ जाती है, अब जाते हैं पढ़ने, ठंडी में तो बारिश आ जाती है तो नहीं जा पाते हैं पढ़ने। बाढ़ आती होगी? हाँ, पूरा देखिए ना, ये देखिए सब, ये पूरा तालाब और भर जाता होगा। हाँ, ये दलदल पूरा हो जाता है सर, इतना जाएंगे तो पूरा गडर जाएंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ज़िंदगी ये जीवन अपन यापन कर रहे हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना जल की व्यवस्था है, बाढ़ आने के बाद स्कूल नहीं जा पाते हैं। अभी हम मौजूद हैं मुड़वानी डैम, मध्य प्रदेश सिंगरौली ज़िले के मुड़वानी डैम में, बैगा बस्ती में, जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं शासकीय विद्यालय में, जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने इन्हें देखा और कई चीज़ें भावात्मक रूप से हमें भी समझ में आई कि इनके जनजीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव है। जहाँ पर आइए हम पहले तो यहाँ के विद्यालय के शिक्षकों से दो शब्द जानना चाहेंगे कि किस तरीके का जनजीवन यहाँ पर चल रहा है। सर, आप ज़रा हमसे बात करें। शुभ नाम सर क्या है आपका? शिव बालक वर्मा सर जी। कुछ बताएं यहाँ की जनजीवन के बारे, इन बच्चों की किस तरीके से चल रही है पढ़ाई लिखाई और क्या चल रहा है इनका? सर यहाँ पे जो है बच्चे तो प्रयास करने से कुछ आ रहे हैं जी, और कुछ के अभिभावक जो है उनके समझ में समझाने से भी नहीं आता कि हम लोग मतलब बच्चों को भेजें, उनका विकास हो, चाहते नहीं हैं। अधिकांश सब पूरे टोटल आदिवासी यहाँ के हैं रहने वाले, और माता पिता दोनों जो हैं, ये इनका जो है रिवाज जो मतलब पहले से इनका चला रहा है, संस्कृति उस पर वो अमल करते हैं। अभी इस नई दुनिया में जो है, विकास की दुनिया में, इनको लाने में बड़ा कठिनाई हो रही है हम लोगों को। अच्छा, और हम लोग बराबर समझाने का प्रयास करते हैं कि मतलब आप बच्चों को भेजें स्कूल, नहीं जाते हैं, हम बराबर उनके यहाँ, हम लोग जो टीचर यहाँ के हैं संपर्क करते रहते हैं, जाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, पर इनको अभी उतना समझ नहीं आ पा रहा है, नहीं भेज पा रहे हैं। कुछ बच्चे बकरियाँ चराने चले जाते हैं, कम दिन आते हैं स्कूल, और कुछ नाम लिखा हुआ लेकिन आते ही नहीं है, कितना भी प्रयास किया जाए उनका। तो इस तरह से यहाँ पर चल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं काफ़ी कि मतलब बच्चों में विकास हो, बच्चे सीखें, बच्चे अच्छे तरह से पढ़ें, और बिना पढ़ाई लिखाई का तो उनका कुछ विकास हो नहीं सकता। बिल्कुल।
तो ये बहुत ज़रूरी है, बुनियादी आवश्यकता इनके लिए है। और इनके अभिभावक जो है इस तरह के वो इस मतलब इस पढ़ाई लिखाई से उतना उनको नहीं लगता कि हमारे बच्चे विकास करें, अच्छा बढ़ें, आगे बढ़ें, बढ़ें और अच्छा विकास करें। इनको कापी वगैरह जैसे है, पेन पेंसिल बैग वगैरह इनके पास कुछ नहीं रहता है, ऐसे बच्चे आते हैं। हम लोग बोर्ड पर अपना चाक से जो हमारे पास संसाधन है सिखाने की कोशिश करते हैं, और ये भी प्रयास करते हैं कि हम लोग कुछ इनको दें, कापियाँ वगैरह भी हम लोग अपने से अपने स्तर से जो हमसे बन पड़ता है उनको उपलब्ध कराते हैं। पेन पेंसिल बराबर हम लाते रहते हैं दुकानों से और उनको देते रहते हैं कुछ पढ़े लिखे। कितने वर्षों से आप यहाँ पर शिक्षक हैं? सर मई 2015 से मैं यहाँ पर हूँ। इसके पहले यहाँ पर कोई टीचर नहीं थे, गेस्ट टीचर चला रहे थे जी। तो हम दो टीचर आए हैं, प्रयास कर रहे हैं सर अभी। और विद्यालय में संसाधन किन किन संसाधनों की आवश्यकता है और कितने की पूर्ति हो पा रही है? विद्यालय में तो बिल्डिंग पर्याप्त मात्रा में है जी, कुछ फर्नीचर कम यहाँ पे हैं बच्चों के लिए जी। पानी जो हैंडपम्प में उपलब्ध है ये पानी अच्छा नहीं आ रहा है पीने के लिए, इसमें जो है उसमें गंध आता है पानी से, आयरन। हाँ, तो हम लोग दूसरे हैंडपम्प से पानी ला के यहाँ पर बच्चों को उस माध्यम से ढुला करके ला कर यहाँ पर पिलाना पड़ता है। और यहाँ पे यही संसाधन कम है कि बच्चों के पास बैग बहुत ज़रूरी है, किताब किस में लाएँ वो, और इनके अभिभावक जो है लेखन सामग्री कापी वगैरह नोटबुक वगैरह नहीं व्यवस्था करा पा रहे हैं, तो इकट्ठे हम लोग सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भारत पूरी तेज़ी से विकास की ओर चल रहा है, वहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर बच्चे पढ़ने तो आते हैं लेकिन इनके अभिभावक जागरूक नहीं हैं, और ये बच्चे कहा जाए तो एक लावारिस की तरह यहाँ पर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है इससे अभिभावकों को कोई मतलब नहीं, शिक्षकों की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। आइए हम कुछ बच्चों से बात करना चाहेंगे। बेटा आप इधर आना, यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता, क्या कहाँ पर घर है आपका? निवाला। अच्छा, तो पापा मम्मी? एक्सीडेंट हो गए, पापा मम्मी नहीं है। तो अभी कौन देख रेख करता है आपकी? कोई नहीं। कोई नहीं, तो आप कहाँ रहते हो फिर? सिपाही लाल का घर। मतलब आपका घर नहीं है कोई? नहीं। आप देख सकते हैं ये बच्ची है, इसके मम्मी पापा नहीं हैं, और ये इसकी जिम्मेदारी अब किसी के ऊपर भी नहीं है कहा जाए तो। ये कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में इसी तरीके से जीवन यापन इस बच्ची का चल रहा है। ऐसे में ये बच्ची किसकी जिम्मेदारी बनेगी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है आज, बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने पोल खोल पोस्ट से मैं दिनेश कुमार रख रहा हूँ। और बेटा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, कभी सोचा है कुछ? क्या सर जी? कुछ बड़ा बनना चाहते। वाह, मैंने पूछा कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो तो इस बच्ची के चेहरे में मुस्कान आई। इसका मतलब ये है कि बच्चों के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है और ये बढ़ना भी चाहते हैं, और इसने कहा कि मैं कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ के शिक्षक यहाँ के बच्चों को एक सही शिक्षा दें, और प्रशासन से ये निवेदन भी है कि हर तरह की संसाधनों से यहाँ पर लोगों को मुहैया कराया जाए ताकि यहाँ के जो जनजीवन है, जहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ इनके नींव हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाए। आइए हम मिलते हैं मुड़वानी डैम में बैगा समाज के मुखिया से। आपका धन्यवाद, अपना समय दिया। आपका नाम क्या है? छोटेलाल। छोटेलाल जी, हाँ। तो सर्वप्रथम तो ये बताइए कि यहाँ का जो जनजीवन है किस प्रकार से चल रहा है, किस तरह की ज़िंदगी चल रही है यहाँ की? यहाँ का जिंदगी माने सब पुराने है, कोनो नया तो बदला नहीं है, है? जंगल में बैगा पड़ल है, यहाँ कोनो अधिकारी न देखता ही न सुनता ही है, तो यहाँ का समस्या दे बेहद देखत है कि हर मट्टी दाब दे से हर पानी भरल बा निकले कि कोनो दबड़ भी नहीं बा है, कोनो साधन सुविधा भी मने ना NCL से बा ना कोनो शासन सरकार से बा है, चाहे BJP आवे चाहे कांग्रेस आवे बैगन के लिए कुछ कोनो मतलब नहीं है। तो यह मने जंगल में पड़ल हैं, कंदमूल खाद पियत हैं पड़ल हैं, या और अब का बाई है, सब पुराने बैगा तो हैं, कोनो नया बैगा यहाँ है ये नहीं सर जी, अब क्या बताए हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ ना कोई एनसीएल से सुविधा है, ना किसी प्रशासन से सुविधा है। ये बैगा समाज इसी तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं। क्या बात की जाए यहाँ पर स्कूल की और स्वास्थ्य? नहीं, स्कूल तो मिला है। हाँ, नहीं, मगर अब मिला है, पहले तो मिला नहीं, हम लोगों को समय में तो नहीं मिला। मगर आपका बच्चन के लिए मैंने शासन वही मैंने स्कूल भरे एक मिला है। हाँ, अगर बात की जाए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं काम चल रहा है, ओवी का काम चल रहा है, जो मिट्टी गिरती है। हाँ, तो दुर्घटना होती है क्या? दुर्घटना का वो मैं मतलब कि हमारे लड़का एक थे दब गल मर गल है, राम लल्लू जानता है, औरों को सब कोई जानता है। ओकर अब हम मृत्यु प्रणाम पत्र रखे है, ओकर मैंने सब कागज रखे है, सब कुछ रखे है यहाँ। मगर यहाँ कोई मतलब कि यहाँ से अच्छा जगह कोनो शासन थोड़े यहाँ से बसावत बा ना, यहाँ के हा उतर यहाँ किसी का काम ही नहीं फंसे मान ले। मतलब यहाँ पे कोई आता भी नहीं देखने? अब क्या कोई जरूरी नहीं पड़ता है? लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ से कहीं और विस्थापित कर दिया गया, कहीं और जगह दे दी गई है। कहाँ जगह दिया गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ से बैगा लोगों कैसे उठा करके उस पहाड़ी के उस साइड में उधर दबने लगा, और ना एक तो दबिए गया, मगर वो भी दबने लगा तो पहाड़ी से उस साइड में दिए हैं, उनको कौन का प्लाट थोड़ी दिए हैं, ऐसे छोटा छोटा रूम उधर ही ले जाके बना के डाल दिए हैं कोनो, उसमें नाम दर्ज तो कोनो है नहीं। और उसमें फिर रेलवे फंस रही है तो फिर तो उनको हट नहीं है, कोनो अस्थाई जगह पर तो है ही नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बैगा समाज को आज अस्थाई रूप से कुछ भी मुहैया नहीं कराया गया है। अस्थाई रूप से कोनो चीज नहीं, स्थाई रूप से कुछ भी मुहैया नहीं कराया गया है। ऐसे स्थिति में ये कहाँ जाएं? मैं दिनेश कुमार पोल पोस्ट से, आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहें, और प्लीज़ अपने सुझाव कॉमेंट बॉक्स में देते रहें। और यदि आप स्मार्टफोन यूज़र हैं तो प्लीज़ हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।